हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे दो एंट्री लेवल हैचबैक्स के मिड वेरिएंट्स के बीच, यानी कि वैगनर VXI 1.2 और टियागो XT के बीच, क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के ये वेरिएंट्स लगभग सेम प्राइस पॉइंट पर मिलते हैं और 6 लाख रुपये के अंदर अंदर ही इन गाड़ियों के ये मिड वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। जहाँ वैगनर VXI ऑप्शनल 1.2 की प्राइस है 5,25,000 रुपये एक शोरूम, तो वहीं टियागो XT की प्राइस है 5,20,000 रुपये एक शोरूम। तो ऐसे में अगर आपको 6 लाख रुपये ऑन रोड तक की एक वैल्यू फॉर मनी और एक अच्छी कार चाहिए, तो आपको इन दोनों में से कौन सी कार लेना चाहिए, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम इन दोनों ही गाड़ियों की खूबियों और कमियों पर भी एक नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ वॉक अराउंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो शुरू करते हैं डायमेंशन से। सबसे पहले डायमेंशन पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो वैगनर की लेंथ आपको मिलेगी 3655 mm की, विड्थ मिलेगी 1620 mm की, हाइट मिलेगी 1675 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 165 mm का, व्हील बेस मिलेगा 2435 mm का, बूट स्पेस कैपेसिटी मिलेगी 341 लीटर की और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 32 लीटर की। तो वहीं टियागो की लेंथ आपको मिलेगी 3765 mm की, विड्थ मिलेगी 1677 mm की, हाइट मिलेगी 1535 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2400 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 170 mm का, बूट स्पेस कैपेसिटी मिलेगी 242 लीटर की और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 35 लीटर की। तो आप यहां देख सकते हैं कि जहां वैगनर टियागो से ऊंची है, इसका व्हील बेस और बूट भी बड़ा है टियागो से, तो वहीं टियागो वैगनर से ज़्यादा लंबी और चौड़ी है और टियागो की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और ग्राउंड क्लियरेंस भी वैगनर से ज़्यादा है। फीचर्स की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहां दोनों ही गाड़ियों के मिड वेरिएंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो दोनों ही गाड़ियों में बहुत सारे कॉमन फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जैसे टिल्ट पावर स्टीयरिंग, ऑल फोर पावर विंडोज़, मैनुअल एसी, म्यूजिक सिस्टम विद ऑक्स यूएसबी एंड ब्लूटूथ, फ्रंट स्पीकर्स, कीलेस एंट्री, रियर पार्शल ट्रे, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, फुल व्हील कैप्स, ABS विद EBD, डुअल एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, सीट बेल्ट रिमाइंडर और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर्स विद लोड लिमिटर्स वगैरह जैसे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉमन मिलते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इन दोनों ही गाड़ियों में कुछ यूनिक फीचर्स भी हैं। जैसे वैगनर VXI में आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स, डे एंड नाइट IRVM, 60:40 स्प्लिट रियर सीट, वैनिटी मिरर, एंटी थेफ्ट अलार्म और सिल्वर कलर इनसाइड डोर हैंडल्स जैसे फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, तो वहीं टियागो XT में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टैकोमीटर, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, टर्न इंडिकेटर ऑन ORVMs, फोल्डेबल की, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, रियर स्पीकर्स, ड्यूक कार ऐप और सर्विस कनेक्ट जैसे फीचर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इंजन्स पर। तो वैगनर में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 83 PS और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT के साथ आता है। वहीं टियागो में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 86 PS और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। टियागो XT में आपको AMT का ऑप्शन नहीं है। अगर आप टियागो AMT लेना चाहते हैं, तो आपको टॉप वेरिएंट पर जाना होगा। व्हील साइज़ भी, जहां आपको वैगनर VXI में 165/70R14 का मिलेगा, तो वहीं टियागो XT में आपको 175/65R14 का मिलेगा। अभी एक चीज़ आप यहां ये देख सकते हैं कि दोनों ही गाड़ियों में आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और दोनों ही इंजन्स की पावर आउटपुट भी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ इन दोनों ही इंजन्स की कुछ अपनी अपनी खूबियाँ हैं। जैसे वैगनर का के सीरीज़ पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर होने के कारण ज़्यादा रिफाइंड है। इस इंजन को अगर हम इस सेगमेंट के दूसरे 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन्स के साथ कंपेयर करें, तो ये काफ़ी रिलायबल है। और फिर वैगनर का वज़न हल्का होने के वजह से ये इंजन काफ़ी पेपी फील होता है चलाने में।
वहीं टियागो का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर होने के कारण थोड़े बहुत वाइब्रेशंस ज़रूर फील कराता है, लेकिन इस इंजन में 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको सिर्फ 3300 आरपीएम पर ही मिल जाता है, जिससे इसकी ड्राइवेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। क्रैश टेस्ट की बात की जाए तो जहां वेगनार को ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि एक ख़राब सेफ्टी रेटिंग मानी जाती है, तो वहीं टियागो को ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जो कि एक बहुत अच्छी सेफ्टी रेटिंग मानी जाती है। तो अब लास्ट में बात कर लेते हैं खूबियों की और कमियों की। तो शुरू करते हैं वेगनार VXI 1.2 से। तो वेगनार की खूबी है इसका 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो चलाने पर मक्खन की तरह फील होता है। वेगनार में आपको सेगमेंट का सबसे बड़ा 341 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। तो अगर आप फ्यूचर में कभी CNG इंस्टॉल करवाना चाहो इसमें, तो CNG सिलेंडर लगने के बाद भी इसमें थोड़ी बहुत जगह सामान रखने के लिए बच जाएगी। फिर केबिन स्पेस भी आपको वेगनार में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। फिर वेगनार की रीसेल वैल्यू यूज्ड कार मार्केट में सबसे बढ़िया है अपने सेगमेंट में। और फिर क्योंकि ये एक मारुति का प्रोडक्ट है, तो इस वजह से आपको सर्विस की प्रॉब्लम कभी भी कहीं भी फेस नहीं करना पड़ेगी, क्योंकि मारुति का सर्विस नेटवर्क इंडिया में सबसे बड़ा है। कमियों की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की एक सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि ग्लोबल एनकैप में भी इस गाड़ी को केवल 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी, और इसकी मेटल शीट थिन होने के कारण इसमें डेंट्स भी काफ़ी आसानी से आ जाते हैं। फिर क्योंकि ये एक टॉल बॉय डिज़ाइन कार है, इस वजह से इसमें बॉडी रोल भी काफ़ी ज़्यादा है। वहीं टियागो की खूबियों की बात की जाए तो जो वेगनार की सबसे बड़ी कमी है, वहीं टियागो की सबसे बड़ी खूबी है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी। इस गाड़ी को ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। फिर टियागो का सस्पेंशन सेटअप भी राइड और हैंडलिंग का प्रॉपर बैलेंस बना के ट्यून किया गया है, और ये सस्पेंशन सेटअप इस सेगमेंट की ही नहीं, इस सेगमेंट की ऊपर की भी कई गाड़ियों से बेहतर है। और फिर वेगनार में आपको केबिन स्पेस भले ही ज़्यादा मिलती हो, लेकिन सीटिंग कंफर्ट टियागो का ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू वेगनार। कमियों की बात की जाए तो टाटा की आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिस पर टाटा को ध्यान देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कहता, कई कस्टमर्स की कंप्लेन रही है। और फिर टाटा का सर्विस नेटवर्क भी मारुति जितना बड़ा नहीं है। और तो और छोटे शहरों और गांव में आज भी टाटा के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इशू कहीं ना कहीं रहता ही रहता है। तो फाइनली अब ये देख लेते हैं कि लगभग 5.25 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस पर कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है और कौन सी गाड़ी को लेने में ज़्यादा समझदारी है। तो गाइज़, यहाँ क्लियरली टाटा टियागो XT एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है, क्योंकि ये सबसे पहले तो एक 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी है। फिर अगर आप वेगनार VXI और टाटा टियागो XT के यूनिक फीचर्स को कंपेयर करोगे, तो टियागो XT में मिलने वाले यूनिक फीचर्स ज़्यादा अच्छे और यूज़फुल हैं। और फिर टियागो XT की राइड एंड हैंडलिंग, रोड प्रेजेंस, ड्राइवेबिलिटी, सिटिंग कंफर्ट, ये सब वेगनार VXI से कई गुना ज़्यादा अच्छी है। तो इस कंपैरिजन की विनर है नो डाउट टाटा टियागो XT। अगर आपको 5.25 लाख रुपए एक शोरूम पर कोई गाड़ी लेना है, तो आंख बंद करके टाटा टियागो XT लेकर आइए। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए। अगर आपके मन में जो भी सवाल हो, उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा आपको। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक यू, जय हिंद।